नमस्ते स्टूडेंट, ओवर ए लॉन्ग टाइम वी आर अगेन विथ सोशल साइंस एंड यू आर वेलकम इन दिस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, आवर होम्स। डियर स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास व्हाट वाज आई टॉट यू were understanding very well and all you are getting very good mark in half yearly exam, and just I hope that you will also understand better rather than last class. So today I am going to start this chapter. First I read this chapter and I will be make you understand this chapter. Such here, I love my home very much. It gives shelter to my family. It protects us from rain, wind, cold and the heat of the sun. It also protects us from thieves. Not at all have loved their home, and you are living in your home with happily, and all you are likes your home, and all you are living with your family at your home, in your home, and your home also protect us from your rain, and also it protects you from wind, cold and heat of the sun. And in the night when you are silently sleeping, many enemies and other thieves also just attack your home. So it also protects us from the thieves and other enemies. Here the describing here the types of homes. Just I am describing about the different type of homes. First I am describing about the bungalow. Bungalow is a very big house, and it has a living room, kitchen, guest house, study balcony, storerooms and garage on the ground floor. So here the story about the Sambhavi, one who is living in the bungalow and with her parents in Assam, and it has a living room. No doubt there the bungalow have the same is here, and Sambhavi has also there a living room and kitchen, guest house, study balcony, storeroom and garage on the ground floor. The bedrooms and bathrooms are also on the first room. The bungalow has the beautiful lawn and a kitchen garden at the back. Dear student, just I am describing it also in the Hindi. Here the sare bachche ko to apna ghar pyara lagta hoga, and all you are living in this home, apne ghar mein rehte ho, shelter hai, यह तुमको रेन, कोल्ड, विंड से बचाता है, और इवेंस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द थीव्स, चोर से भी बचाता है। तो इट मीन्स दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स। हियर स्टोरी अबाउट द सांभवी। सांभवी कहाँ रहती है? बंगलो में अपने पेरेंट्स के साथ। वेयर सी लिव्स? सी लिव्स इन आसाम, एंड इट हैज ए लिविंग रूम। उसमें बंगलो में क्या है? लिविंग रूम है, किचन है, गेस्ट हाउस है, स्टडी बालकोनी, स्टोर रूम और गैरेज ग्राउंड रूम फ्लोर पे है। इसके साथ साथ बेडरूम और बाथरूम भी है फर्स्ट फ्लोर पर। द बंगलो हैज ब्यूटीफुल लॉन्स। लॉन्स मीन्स घास का मैदान, एंड ए किचन गार्डन एट द बैक। किचन गार्डन भी है पीछे में। टुडे द स्कूल इज क्लोज्ड। जस्ट आई एम स्टार्टिंग हियर द थर्ड सेकेंड पैराग्राफ।
इट है टुडे द स्कूल हैज इज क्लोज्ड, आज स्कूल बंद है. इट हैज़ बीन रेनिंग हेवली फॉर लास्ट वन वीक, एक सप्ताह से भयंकर बारिश हो रही है. संभव इज प्लेइंग स्नैक्स एंड लीडर्स विथ हर ब्रदर एंड रणवीर इन द बालकोनी. नो डाउट यू आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले स्नैक्स एंड लीडर व्हेन देर इज नो वे गो आउट ऑफ द होम्स, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, तब तुम लोग बहुत पसंद करते हो स्नैक और लीडर खेलने का अपने भाई के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ. इन सेम वे सांभवी आल्सो प्लेइंग स्नैक्स एंड लेडर विथ हर ब्रदर और रणवीर, उसके ब्रदर रणवीर के साथ बालकोनी में. हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एंजॉयिंग टी, उनके पेरेंट्स भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और एंजॉय मतलब टी का एंजॉय करके मज़ा लेकर के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बालकोनी में. सांभवीज कज़न माला लिव्स इन मुंबई इन एन अपार्टमेंट फ्लैट विच इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. वट इज द अपार्टमेंट और फ्लैट? अपार्टमेंट इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विच हैव ओनली टू स्मॉल रूम्स एंड ए टीनी बालकोनी यूज फॉर स्टडी. इट मीन्स संभवी की कजन माला जो बम्बई में रहती है एक अपार्टमेंट में रहती है जो मल्टी स्टोरी है, और वह फ्लैट जो होता है उसमें तो छोटा रूम होता है, एक बालकोनी होती है. एंड इट इज़ यूज फॉर ए स्टडी, या स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. द किचन इज सो स्मॉल दैट ओनली वन पर्सन कैन वर्क देयर, किचन भी बहुत छोटा होता है जिसमें एक ही आदमी काम कर सकते हैं. इन बिग सिटीज हियर द डू यू नो आई एम गोइंग टू टीच द डू यू नो जस्ट हियर इन In big cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, the land is limited and the population is huge. So most people lives in flats in multi-story building. बड़े शहर में कौन सा शहर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. तो देर हैव ए लिमिट ऑफ द लैंड, दे आर द वेरी लैंड इज वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिट भूमि जगह होती है इन सारे जगहों में. एंड पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. सो मोस्ट पीपल लिव इन द फ्लैट एंड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसलिए लोग वहाँ पर फ्लैट में रहते हैं जो मल्टी स्टोरी एक के बाद ऊपर के बाद ऊपर ऐसे ही कई तला बिल्डिंग होता है. पीपुल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज डिपेंड ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, लोग अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं और वह किस पे निर्भर करता है, डैट इज डिपेंड ऑन देयर द लोकेशन और क्लाइमेट पर, वहाँ का जिस क्लाइमेट और लोकेशन के आधार पर वह रहते हैं. अर्ली मैन लिव्स इन केव्स, ही एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम द फूड प्रोड्यूसर. He started living in small huts close to his crops. पहले के जो आदमी कहाँ रहते थे? Early man, प्राचीन आदमी, they were lived in caves. And he ate the flesh of animal or fruits and roots of plants. वो क्या खाते थे? जानवरों का मांस खाते थे, फल खाते थे और plants का roots खाते थे. बहुत समय के बाद ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हंटर एंड फूड गैदर बिकम फूड प्रोड्यूसर. हंटर जो हंटर मीन्स शिकारी, वो क्या हो गए? पहले के आदमी शिकार करके खाते थे इसलिए हंटर कहा गया. एंड फूड गैदर मतलब उसके बाद वो फूड को जमा करके लाते थे और जमा करके रखते थे, बाद में दे फूड प्रोड्यूसर, बाद में जा करके वो अन्न को और उपजाने लगे और जैसे ग्रेन्स ग्रोइंग करना शुरू कर दिए. अर्लियर आई हैव टॉट इन द लास्ट चैप्टर दैट इज द व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, हैव यू लर्न दैट चैप्टर? अर्ली मैन चैप्टर वाज देयर ना, एंड आई ऑलरेडी टॉट यू द अर्ली मैन, हाउ दे वेयर बिकम द फूड प्रोड्यूसर. तो इन सेम वे दे स्टार्टेड द फ्रूट प्रोड्यूसर. ही स्टार्टेड लिविंग इन द स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स. वह शुरू किया छोटे से
झोपड़ी में और जहाँ क्रॉप्स होता था, जहाँ पे उसकी खेती होती थी, उसके नज़दीक वह अपना खेती करना शुरू किया, वहाँ पे घर बनाना शुरू किया। इवन नाउ मेनी पीपल लिव्स इन हट्स, अभी जो है बहुत सारे लोग हट में, गांव में, हाँ हट्स इन विलेजेस, गांव में बहुत सारे लोग झोपड़ी में रहते हैं। द हट्स आर द मेड ऑफ बम्बू स्ट्रॉ ड्राइड लीव्स एंड मड। हट्स क्या चीज़ का बना होता है? बम्बू का, स्ट्रॉज का और ड्राई लीव्स का और मड का। दे आर ऑल्सो नोन एज ए कच्चा हाउस, टेम्प्रोरी हाउस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्प्रोरी हाउस। वट इज टेम्प्रोरी हाउस? द हाउस दैट इज मेड अप बम्बू स्ट्रॉ ड्राई लीव्स एंड मड। एंड टेम्प्रोरी हाउस एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज देम। द कच्चा हाउस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेन स्ट्रॉम विंड्स कम द हर्ट्स कैन बी डैमेज। जब बहुत तेज हवा आएगी तो वह डैमेज हो सकता है। बारिश में लीकिंग होता है, वह पानी उसमें से नीचे गिरना शुरू हो जाता है छत से। हर्ट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द स्लम्स इन सिटीज, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स टीन और पॉलीथीन सीट्स। झोपड़ी जो बना हुआ होता है वह स्लम्स, शहर के स्लम एरिया में भी पाया जाता है, वह ब्रिक्स का बना हुआ होता है, टीन का और पॉलीथीन सीट का। दिस डे मोस्ट ऑफ विलेजर्स लिव इन पक्का हाउस और परमानेंट हाउस, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स मार्बल स्टोन सीमेंट एंड टिम्बर। ए वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड ए हवेली। आजकल विलेजर्स जो है वो पक्का हाउस में रहते हैं, परमानेंट हाउस में। वह परमानेंट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स मार्बल स्टोन सीमेंट और टिम्बर का। टिम्बर मीन्स लकड़ी का बना हुआ होता है, मार्बल का और संगमरमर जो होते हैं, हाँ ब्रिक्स का, स्टोन का। एंड वेरी बिग हाउस इज कॉल्ड हवेली, बहुत बड़ा हाउस को क्या कहा जाता है? हवेली के नाम से जाना जाता है। जस्ट हियर डू यू नो द कुक हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट एज द स्ट्रॉ कैन बी कैच फायर इजली। खाना बनाने का काम जो किया जाता है हट्स के बाहर में, क्योंकि वह स्ट्रॉ का बना होता है और उसमें आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। एंड जस्ट यू हैव टू राइट डू यू नो ऑल डू यू नो इन योर कॉपी एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड डिफिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।